फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं HVAC एंड इलेक्ट्रिकल चैनल। तो आज हम इस वीडियो में HVAC से रिलेटेड कुछ ऐसे 5 टूल्स के बारे में जानेंगे जो हमें HVAC के यूज़ में आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली जो हमारी टूल्स है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये एक टेस्टर है। टेस्टर हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई के पावर को चेक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दूसरी जो हमारी टूल्स है, जैसे कि ये पिक्चर में शो हो रही है, ये है एक फ्लेयरिंग टूल्स। फ्लेयरिंग टूल्स के द्वारा हम किसी भी सॉफ्ट कॉपर ट्यूब में फ्लेयर बनाने के यूज़ में लिए जाते हैं। तो इस फ्लेयरिंग टूल्स के दो पार्ट होते हैं, एक होती है फ्लेयरिंग ब्लॉक और एक होती है फ्लेयरिंग योक। फ्लेयरिंग ब्लॉक के द्वारा हम किसी भी सॉफ्ट कॉपर ट्यूब को पकड़कर फ्लेयरिंग योक से उसमें फ्लेयर बनाते हैं। जो हम फ्लेयर बनाते हैं वो होती है 45 डिग्री पे। तो जो हमारी तीसरी टूल्स है, जैसे कि इस पिक्चर में शो हो रही है, ये है एक ट्यूब कटर। ट्यूब कटर हम यूज़ करते हैं फ्रेंड किसी भी सॉफ्ट कॉपर ट्यूब को कट करने के लिए। सॉफ्ट कॉपर ट्यूब को कट करने के लिए हमें इस ट्यूब कटर में ट्यूब को फंसाकर ट्यूब कटर को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज में टर्न कर हम इस ट्यूब को कट कर सकते हैं। ये हो गई हमारी तीसरी टूल्स। चौथी टूल्स जो है वो है मैनिफोल्ड गेज। गेज दो तरह की होती है, एक होती है प्रेशर गेज, एक होती है कंपाउंड गेज। तो इस कंपाउंड गेज और प्रेशर गेज को हम यूज़ कर चेक करेंगे कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमारी जो फिफ्थ टूल्स है वो है स्प्रिंग ट्यूब बेंडर, जिसके द्वारा हम किसी भी सॉफ्ट कॉपर ट्यूब को आसानी से बेंड कर सकते हैं। की वीडियो पे बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और टूल्स के नाम बताऊंगा और उस टूल्स को किस तरह से यूज़ करते हैं वो बताऊंगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचे सबसे पहले।